नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है कि एक आयता यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल है। आप जानते हैं कि सड़क के किनारे एक ट्रायंगुलर शेप में जो होता है कॉशन बोर्ड लगे होते हैं, आगे स्कूल है, आगे स्टम्बल है, इस तरह का बोर्ड लगा होता है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार है। मतलब कहने का हो गया कि यहाँ ये भी ए है, यहाँ ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए है और हीरोन का सूत्र यूज करना है, इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ बनेगी वो 180 सेंटीमीटर बनेगी, जिसे पेरीमीटर कहते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आप लिखोगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर a सेंटीमीटर, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर a मल्टीपल बाय 3 और उसकी वैल्यू कितनी दी है 180 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू 180/3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। मीन्स ये हो गया कि ये भी 60 है, ये भी 60 सेंटीमीटर का है और ये भी 60 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब आपको निकालना है इसका समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर a प्लस a अपान 2 होता है, तो 60 प्लस 60 अपान 2 ये हो गया 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। जिसका अर्ध परिमाप होगा वो 90 हो जाएगा और अर्ध परिमाप को आप एस से शो करते हो। तब हीरोन का सूत्र लगाए, यहाँ पर हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है ना भाई। ये बी माना जाएगा और इसको सी माना जाएगा, ठीक। चाहे तो आप यहाँ पर ये लिख दीजिए बी और सी, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर 90 और 90 माइनस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको करेंगे माइनस 90 मल्टीपल बाय 90 माइनस 60 30, ये भी 30 हो जाएगा और यहाँ पर भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सभी 90 माइनस 60 है। अब यहाँ पर आप लिखें 90 × 30 × 30 × 30 क्या करिएगा, यहाँ पर ये जो 90 है इसको आप लिखें 3 × 30 और 30, नेक्स्ट हमारे तीनों 30 यहाँ पे नोट कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप देखें 30 का एक ग्रुप बन गया, 30 का एक ग्रुप बन गया, तो 30 × 30 × √3 इज इक्वल टू 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बोर्ड का क्षेत्रफल होगा। जो इसके अंदर का एरिया होगा वो कितना जाएगा, 90√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।